विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। पीएम मोदी को ब्यूरोक्रेट्स ने किया आगाह, बोले लोक लुभावन योजनाएं डुबो सकती हैं आर्थिक नैया, श्रीलंका जैसे हो सकते हैं देश के हालात। आज फिर लखीमपुर खीरी घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। पंजाब के डिप्टी कमिश्नर को सीएम भगवत मान ने दिए निर्देश, खरीद के लिए मंडियों में पूरे हो इंतजाम, 24 घंटे में पेमेंट, दूसरे राज्यों से आने वाले गेहूं पर सख्ती। आंध्र प्रदेश सरकार ने बनाए 13 नए जिले, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पूरा किया अपना चुनावी वादा, जिसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या 13 से बढ़कर हुई 26। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 40वां दिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला नरसंहार के समान है। सपा सांसद जया बच्चन ने बढ़ती महंगाई पर जताई चिंता, बोली मुझे डर है कहीं बेरोजगार और गरीब लोग सड़कों पर ना आ जाएं। धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 913 केस आए सामने, यह आंकड़े 715 दिन में सबसे कम।